एम्पायर्स की गूंज, इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट। सिल्क रूट से लेकर स्पाइस ट्रेड तक सदियों से इंडिया की ग्रैंड्योर की झलक कॉन्टिनेंट्स में दिखती रही है। ये इकोज हमें उन पावरफुल एम्पायर्स की याद दिलाती हैं जिन्होंने न सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानियाँ ग्लोबल हिस्ट्री का हिस्सा है जो इंडियन सिविलाइजेशन की इंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है। ये एम्पायर्स सिर्फ ताकतवर नहीं थे, ये आर्ट, आर्किटेक्चर और गवर्नेंस के केंद्र थे। उनका प्रभाव उनकी सीमाओं से परे तक फैला हुआ था, जिन्होंने ग्लोबल ट्रेड, कल्चर और सोच को आकार दिया। एम्पायर्स की एक झांकी, इंट्रोड्यूसिंग द आर्किटेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। इंडिया के पास्ट का सफर मैग्निफिसेंट एम्पायर्स के राइज और फॉल से जुड़ा है। उनमें से मौर्य, गुप्ता, मुगल और चोला एम्पायर्स सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम हिस्ट्री में इंडिया की डेस्टिनी के आर्किटेक्ट्स के रूप में अंकित हैं। हर एक ने सब कॉन्टिनेंट पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे इंडियन कल्चर और हेरिटेज का रिच टेपेस्ट्री बना। ये एम्पायर्स अपनी ओरिजिन्स, बिलीफ्स और गवर्नेंस के तरीकों में अलग होने के बावजूद इंडिया के कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप पर अपने इम्पैक्ट के लिए जाने जाते हैं। समझने की चुनौती, नेविगेटिंग इंडियाज डाइवर्स पास्ट। इंडिया के हिस्ट्री को सचमुच समझने के लिए समय के एक भूल भुलैया से गुजरना पड़ता है। इंडिया के हिस्टोरिकल नैरेटिव की विशालता और विविधता, अनगिनत एम्पायर्स के एब और फ्लो का प्रमाण बहुत ज्यादा हो सकती है। फिर भी इसी इंट्रिकेट टेपेस्ट्री में हमें वो थ्रेड्स मिलते हैं जो हमें इन ग्रेट एम्पायर्स की विरासत से जोड़ते हैं। हर एम्पायर अपने यूनिक कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के साथ इस कॉम्प्लेक्स नैरेटिव में लेयर्स जोड़ता है, जिससे इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन पावर, इनोवेशन और कल्चरल फ्यूजन का एक मनोरंजक एक्सप्लोरेशन बन जाता है। पिलर्स ऑफ पावर, मौर्य, गुप्ता, मुगल एंड चोला एम्पायर्स। चांद्रा प्रकाश SS1, चंद्रगुप्ता मौर्य और उनके एस्टीम्ड एडवाइजर चाणक्य के शासनकाल में मौर्य एम्पायर ने अनप्रेसिडेंटेड यूनिटी और एफिशिएंट गवर्नेंस का एक नया युग शुरू किया। अशोका SS2, अशोका द्वारा बनवाए गए मजेस्टिक पिलर से लेकर मैरिज और डिप्लोमेसी के जरिए बनाए गए स्ट्रेटेजिक अलायंसेस तक मौर्य एम्पायर ने एक पावरफुल और प्रॉस्परस इंडिया की नींव रखी। गुप्ता स्कॉलर SS3, गुप्ता एम्पायर, जिसे अक्सर इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है, ने आर्टिस्टिक, साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स में अभूतपूर्व वृद्धि देखी। इंट्रिकेट अजंता केव पेंटिंग से लेकर एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज तक गुप्तास ने अनमैच्ड ब्रिलियंस की एक विरासत छोड़ी। मुगल आर्किटेक्ट SS4, बबर द्वारा स्थापित मुगल एम्पायर अपने साथ आर्किटेक्चुरल ग्रैंडर और कल्चरल सिंथेसिस की एक नई लहर लेकर आया। ताजमहल लव और आर्किटेक्चुरल ब्रिलियंस का एक अमर प्रतीक, मुगल के आर्ट्स के प्रति संरक्षण का प्रमाण है। चोला मर्चेंट SS5, चोला एम्पायर, एक मैरीटाइम सुपर पावर, अपने फॉर्मिडेबल नेवल फ्लीट और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के साथ सदर्न सीज पर राज करता है। उनके मैग्निफिसेंट टेंपल्स, इंट्रिकेट कार्विंग्स और टावरिंग गोपुरम से सजे हुए आज भी उनकी आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चुरल प्रोवेस का प्रमाण है। अ गोल्डन एज, द गुप्ता रेनेसांस एंड इट्स एंड्यूरिंग लेगेसी। गुप्ता स्कॉलर SS3, गुप्ता एरा एनलाइटनमेंट का एक बीकन था जो अभूतपूर्व समृद्धि और कल्चरल एफ्लोरेसेंस का पीरियड था। इसी समय के दौरान इंडिया को जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और पॉलिटिकल डिविजन से परे एक यूनिफाइड कल्चरल एंटिटी के रूप में देखा जाने लगा। गुप्ता स्कॉलर SS3, गुप्ता एम्परर्स, जो आर्ट्स और साइंसेज के अपने पैट्रनेज के लिए प्रसिद्ध थे, ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां नॉलेज फ्लरिश्ड हुआ और इनोवेशन थ्राइव्ड हुआ। इस पीरियड को, जिसे अक्सर इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन काफी फ्लरिश्ड हुआ। गुप्ता स्कॉलर SS3, आर्यभट्टा और कालिदासा जैसे विद्वानों के काम आज भी इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करते हैं। एन एंड्यूरिंग लेगेसी, द अनफेडिंग इम्प्रिंट ऑन इंडियाज सोल। इन ग्रेट एम्पायर्स की गूंज आज भी इंडिया की सोल में गूंजती है। उनकी विरासत नेशन के ताने बाने में बुनी हुई है। एफिशिएंट गवर्नेंस पर मौर्यंस का जोर, नॉलेज के प्रति गुप्तास का प्रयास, मुगल्स का आर्किटेक्चरल ग्रैंडर और चोलस का मैरिटाइम प्रोवेस, इन सभी ने इंडिया की पहचान पर अपनी छाप छोड़ी है। आज जब हम 21st सेंचुरी की कम्प्लेक्सिटीज से जूझ रहे हैं, तो अपने पास्ट के लेसन्स को याद रखना जरूरी है। एम्पायर्स का राइज और फॉल हमें पावर के साइक्लिकल नेचर, यूनिटी की इम्पोर्टेंस और ह्यूमन रेजिलियंस की एंड्यूरिंग पावर के बारे में सिखाता है। मैं आपसे हिस्ट्री के पन्नों में जाकर
इन एम्पायर्स की फैसिनेटिंग स्टोरीज को एक्सप्लोर करने और खुद ही उनके प्रोफाउंड इम्पैक्ट को डिस्कवर करने का आग्रह करता हूँ, जो आज भी